जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये सेंगपोरा किद्रू गुआड़ी की हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों से जबरदस्त बारिश होने की वजह से आप खुद भी देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि यहाँ पे एक गरीब का घर निकल गया और जिसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप इन तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं कि किस तरह जो कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी उसने किस तरह इस मकान को अपनी चपेट को बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ। इसमें माल मवेशी का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आप तस्वीरों के जरिए साफ भी देख सकते हैं कि ये पूरी तरह जो है मकान खिसक गया और निकल गया है। इसमें लगभग 30 से 40 जो भेड़ बकरियां हैं उनकी मौत हुई है और इस गरीब को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आप इन तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं। हम सीधा आपको दिखा रहे हैं जीरो ग्राउंड से ये तस्वीरें। आप खुद भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बारिश की वजह से खिसक जाने की वजह से ये घर और इस गरीब का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गुका गुजर है जी। मेरा मैं माल मवेशी का दिन चढ़ता वो तक कल रात को खत्म हो चुका। हूँ मेरे मन यही इमाम के आगे गुराज है मेरा थोड़ा ज्यादा हेल्पर हो जाए। माल ये अगर करो थी तो वो गया बाहर तो मेरी को मदद होनी चाहिए और क्या माल छाल मार मुको जिगा भी रोड़ गई तो मैंने को मदद हो लड़िए दौड़ के तेरी सकावत के बहुत किसे सुने थे क्या मालूम है तुम दर्द भी देते हो तो दिल खोल के देते हो। जो भी कोई आफत के पहाड़ टूटते हैं वो गरीब के ही सर टूटते हैं। व्यूअर्स आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। आज हम जिला किश्तवाड़ के तहसील छात्रों दूर दराज किद्रू के गौड़ी इलाके में है। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले रोज कहीं रोजों से जबरदस्त बारिशें होने की वजह से यहां पे इसका घर निकल गया उसमें उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 35 भेड़ बकरियां और 4 बैल इस जद में आए गए। ये आप मेरे साथ शख्स देख रहे हैं इसकी जो ये लोतवान भी है और इसका कहना है कि यहाँ पे इसको 30 से 35 भेड़ और बकरियां जो है इसमें हलाक हुई और 4 बेल। ये बहुत बड़ा नुकसान है एक गरीब के लिए। आए मजीद बात करते हैं इसी से और जानते हैं इसकी ही जबान से इसकी दुख भरी कहानी। वाकई ये आज जनाब हम बैठे थे दिन को रोजा था जी शाम को इफ्तार किया उससे बाद में बैठे गपे शपे लगा रहे थे और बातें कर रहे थे दूर से। अच्छा फोन में मेरे कार से दूर से ये ना दूर की बीवी हमारे ठीक ठीक बस उनके साथ बातें शातें कर रहे थे। हम बाद में नमाज पढ़कर उनको डालना था निकल गया। तो कल कोई आला अधिकारी आया आपके पास? बस आया पटवारी शटवारी तो उन्होंने देखा शेख का माल के भी रिपोर्ट देखी शेखी साहब। कितना नुकसान हो गया? बहुत पारा नुकसान आया। ये पेड़ी बकरी कितनी होगी? 4 बैल। और भी इसके जो घर वाली है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। माई नाम क्या है आपका? जोरा नाम। बताइए जरा तफसील से क्या हुआ आप लोगों के साथ यहाँ पे? शाम बेला 8 बजे मैं पैंतरी पारू जी तो कोठो चढ़ गया तो पैंतरी पारू ने 4 बैल मार गए ठीक चले गए ठीक जगह भी रोड गई। पेड़ बकरी पैंतरी गई पैंतरी मार गई। मदद करो हम इस माल पर फेर दौर करो मारो कारोबार ये माल ये बच्चे वच्चे कितने हैं आपके? बच्चा मेरा है त्रै लड़का निका दो है त्रै लड़का 4 लड़के ठीक। आप अपना गुजारा जो है इसी माल में मवेशी के ऊपर करते थे? माल ही कुछ और माल बचा कुछ किन कुछ भी नहीं ना कख नहीं ना ठीक। अभी तक आप सुन रहे थे इनका साहब की। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर बेलूस होकर आप कोई मदद करना चाहेंगे तो ये हम इसका अकाउंट नंबर जो है शो कर रहे हैं और जरूर चाहिए कि इस गरीब की जो है आप लोग भी मदद करें।
आप लोग भी इसका कुछ इमदाद दे दें। ये इसकी अकाउंट नंबर मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ कुछ मकामी लोग भी जुड़े हैं, इनसे भी तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि इस गरीब का जो है इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ से आला हुकाम से भी कि जनाब आप भी थोड़ा आ जाएं आगे और इस गरीब की जो है मदद करें। गुआड़ी में रहते हैं, हमारा नाम है बिलाल अहमद खलीफा जी। जी हम बहुत गरीब थे, हमारा जितने भी कारोबार चल रहा था वो माल पे चल रहा था। अच्छा, कल रात के 8 बजे की बात है, हम इफ्तार करके अपने घर में खाना खा रहे थे, अपने मामू से बात कर रहे थे फोन पर, तब तो कुछ आवाज आ रही है, बहुत सी डराने वाली आवाज आ रही थी। तो जब हम बाहर निकले हमने देखा हमारे जितने भी जगह में माल था, और दूसरे हमें एक कोठा था जिसमें खुद बैठे थे और जगह थी वो तो पूरी गिर गई, उसमें पूरा माल था, कम से कम 30-40 बैल बकरियां थी वो भी चले गई, और बैल दो चार थे वो भी मर गए। अच्छा, इसके बाद कोई डिपार्टमेंट किस तरफ से कोई पटवारी वगैरह यहाँ पे आया कल? हाँ, पटवारी वगैरह ने आए हैं, उन्होंने सब रिपोर्ट ले गए हैं लिख के। अच्छा जी, अब क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप आला हुकाम से? मैं डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हम बहुत गरीब हैं, हमारी कुछ मदद करिए, कुछ हेल्प करिए हमारी। आपका जो गुजारा था इसी पे चल रहा था? जी, हमारा जितना भी गुजारा कर रहे थे, मैं एक ही बड़ा बच्चा हूँ जो इनको देख सकता हूँ, अपने फादर को, माल पे सारा कारोबार चलाते थे, अब वो भी चले गए, अब कुछ नहीं हमारे पास। अब आप सिंहपुरा अच्छा रहने वाला है, मेरा रिश्तेदार है ये। अच्छा, लिहाजा मुझे 8:30 बजे पता लगा इसका, जो माल मलवेशी सब आ गए कोठे के, लिहाजा मैं इधर आया कुछ नहीं देखा, इधर सब मार गए। अब क्या गुजारिश करना चाहेंगे? बस और ये गुजारिश चाहता हूँ मैं, जो गरीब की कुछ मदद करे और इसका सहारा बन जाए कुछ न कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अभी तक आप सुन रहे थे इन लोगों से, मैं भी आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगे कि आप तमाम व्यूअर्स और ऑडियंस आगे आ जाएं और इस गरीब की जो है जितनी हो सके मदद कीजिए, क्योंकि ये एक लोतवान है, इसकी टांगे नहीं है, और जिसके पास इतना माल मवेशी था बेचारा वो भी चले गया, अब ये गुजारा करे तो करे कैसे, इसकी भरपाई करना नामुश्किल है। इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश की कि जल्द बाय जल्द इनकी भरपाई की जाए क्योंकि ये बहुत गरीब हैं। बस जुड़े रहें बोल्ड वॉइस के साथ, दीजिए इजाजत कैमरामैन साजन कुमार के साथ, मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज के थ्रू ग्वाड़ी छात्रों किश्तवाड़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की